कमिंग टू द क्वेश्चन, द ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन. क्या दिया है क्वेश्चन में? ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन. एक ड्रिंकिंग ग्लास है जो कि फ्रस्टम के शेप में है, ठीक है, ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर. इसकी हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. डायमीटर इसके दोनों सर्कुलर एंड्स का कितना है? 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. इस ग्लास कितनी कैपेसिटी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक. तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन. तो जाहिर सी बात है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, जब ये फ्रस्टम टर्म आता है किसमें आता है? कोन की कैटेगरीज में आता है. तो फ्रस्टम कब होता है? फ्रस्टम इन द सेंस, इसका मतलब ही होता है कि एक कोन में जब दो सर्कुलर एंड्स पाए जाते हों तब उसको हम क्या कहते हैं? फ्रस्टम. यहाँ एक सर्कुलर एंड बड़ा होता है किससे? दूसरे वाले सर्कुलर एंड से, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फ्रस्टम. तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? डायरेक्ट हमें कैपेसिटी ऑफ द ग्लास फाइंड आउट करना है. तो लिख लेते हैं गिवन डायमीटर, इसको ले लेते हैं पहले D1, बिगर वाले को कितना है? 4 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना जाएगा? R1 हाफ ऑफ द डायमीटर, 2 सेंटीमीटर. उसी तरह D2 क्या हो जाएगा? स्मॉलर रेडियस हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगा? R2 1 सेंटीमीटर. और हाइट कितना है आपका? 14 सेंटीमीटर, ठीक है. ये हो गया आपका डायमेंशंस. मालूम क्या करना हमें? कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या होगा? कैपेसिटी इज इक्वल टू, तो ये जाहिर सी बात है ये एक फ्रस्टम के शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा इसका? कैपेसिटी. इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/3 pi इंटू एच इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7 इंटू एच. हाइट कितना है आपका? 14. R1² मीन्स 2² प्लस R2² मीन्स 1² प्लस R1 इंटू R2 मतलब 2 × 1. ये क्या हो जाएगा? 22/3 मल्टीप्लाइड बाई 14/7 से कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स में मल्टीप्लाइड बाई 2² 4 प्लस 1 प्लस 2 दिस इक्वल टू 22 × 4 44/3 मल्टीप्लाइड बाई 4+1 5 5+2 7. टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इस ग्लास की? 44/3 × 7. ये आ जाएगा आपका 308/3 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये हो जाएगा टोटल कैपेसिटी आपके इस ग्लास का, ठीक है. जो हमें जो कंडीशन दिया हुआ था वो क्या था? दो सर्कुलर एंड्स थे, दो डायमीटर्स दिए हुए थे हमें, एक हाइट दिया हुआ था. तो वो दो डायमीटर्स से हमने दोनों रेडियस फाइंड आउट कर लिए, R1 एंड R2, और फिर कैपेसिटी के लिए देखा कि ये फ्रस्टम के शेप में है तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा इसका कैपेसिटी. तो फॉर्मूला हमने लिखा, फर्दर फॉर्मूला के थ्रू R1, R2 और हाइट की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, और एट लास्ट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास कितना आ गया? 308/3 क्यूबिक सेंटीमीटर.